नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करती हूँ उसके संबंध में। तो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 11th NCERT बुक का, सेट थ्योरी करें समुच्चय। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ये उसका पार्ट टू है, दूसरी वीडियो है। हमने कुछ आर्टिकल्स शुरू में समाप्त किए, उसमें मेन था इंट्रोडक्शन ऑफ सेट कहते किसे हैं। मैंने बताया था आपको वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह, दैट इज कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स का एक सुपरिभाषित जो कलेक्शन होता है दैट इज कॉल्ड सेट। फिर हमने सेट्स के एलिमेंट्स के बारे में जाना था, उसको किस प्रकार हम लिखेंगे, किन किन विधियों द्वारा हम लिखेंगे, ये सब हमने पढ़ा था। और क्या क्या चीज़ें मायने नहीं रखती हैं सेट में, ये भी हम लोगों ने जाना था। अब उसी के आगे हम चलेंगे टाइप्स ऑफ सेट। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो इस आर्टिकल से, टाइप्स ऑफ सेट। समुच्चयों के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहला समुच्चय होता है, उसका नाम है रिक्त समुच्चय, नंबर वन। नाम से ही लग रहा होगा आपको, रिक्त दैट इज खाली, ठीक है, एम्प्टी सेट, नामी है ऐसा सेट जिसमें कोई भी अवयव ना हो उसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय, जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो। जैसे मान लीजिए आपका कोई लड़कियों का स्कूल है, हमने कहा आपके क्लास में पढ़ने वाले लड़के का नाम, तो जाहिर सी बात है अगर आपका स्कूल लड़कियों का है तो कोई लड़का आपके स्कूल में नहीं पढ़ता होगा, तो वो कैसा सेट मिलेगा आपको, वो समुच्चय कैसा मिलेगा आपको, खाली, उसमें एक भी अवयव नहीं होंगे। रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट आपका पहला प्रकार है। जैसे हमने कहा a इज इक्वल टू x सच दैट x a क्लास 10 और क्लास 11 में पढ़ने वाला विद्यार्थी है, ठीक। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई एलिमेंट मिलेंगे क्या आपको, ए इज इक्वल टू आपके एक भी एलिमेंट नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होता है जो 10th में पढ़ रहा हो और 11th में पढ़ रहा हो, तो इसका आंसर आपको क्या मिलेगा, एम्प्टी से। तो एक ऐसा एग्जांपल है आपका एक रिक्त समुच्चय का, यानी कि ऐसे समुच्चय जिसमें आपके एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। तो इसका बताती नोटेशन इसको हम दिखाते हैं किस प्रकार है, इसको इसी प्रकार लिखते हैं, ठीक। या एक तरीका और है, ये दिखा देंगे, ये भी दिखाता है रिक्त समुच्चय को, इसको हम बोलते हैं फाई। फाई पढ़ते हैं इसको, बच्चे गलती क्या करते हैं ये भी हम बताएंगे। बच्चा जब रिक्त समुच्चय लिखता है तो बच्चा ऐसे लिख देता है, ठीक, तो ये गलत है। इस ब्रैकेट के अंदर यदि कोई भी चीज लिख दी गई तो इसका मतलब वो उसका क्या बन जाएगा, एक अवयव बन जाएगा। तो इसका मतलब ये एम्प्टी सेट नहीं है, ये एकल समुच्चय है, आपके सिलेबस में नहीं है बहरहाल, लेकिन आप जान लीजिए एकल समुच्चय वो समुच्चय जिसमें कितने एलिमेंट होते हैं, एक एलिमेंट, नाम से ही लग रहा है सिंगलटन सेट कहते हैं, सिंगलटन सेट एकल समुच्चय। तो ये आपका आंसर सही नहीं है, या तो आप एम्प्टी सेट को ऐसे दिखाएंगे, ऐसे लिखेंगे, या ऐसे लिखेंगे फाई के द्वारा, ठीक। तो ये हो गया आपका रिक्त समुच्चय, आपको समझ में आता है। दूसरा प्रकार है आपका परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट, नाम से समझ रहे होंगे आप, ऐसा समुच्चय जिसमें जो एलिमेंट्स की संख्या होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है, आप काउंट कर सकते हैं 6 है 10 है 12 है, कहीं ना कहीं वो खत्म हो रही हो, वो अनंत ना हो कि आप गिन ना सकें, तो उनको हम कहते हैं फाइनाइट सेट, परिमित समुच्चय। जैसे मैंने कहा W इज इक्वल टू एक सेट है x सच दैट x क्या है, सप्ताह में 7 एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये कैसे सेट का एग्जांपल है, परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट।
ठीक है। अब इसके आगे जो तीसरा प्रकार है वो है आपका इनफाइनाइट सेट। अब आपका तीसरा प्रकार है अपरिमित समुच्चय। नाम से ही लग रहा होगा, जैसे पहला था फाइनाइट, ये है इनफाइनाइट, जिसमें संख्याएं, अवयवों की संख्याएं जो है वो सीमित ना हो, अनंत हो, आप गिन ना सके, उन सेट्स को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे मैंने कल पढ़ा था आपने प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, तो n इज इक्वल टू आप लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये कहीं खत्म नहीं होती है, अनंत है, तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अपरिमित समुच्चय, जिसमें आप संख्याएं बता ना सके, जो निश्चित ना हो, उनको हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। अब बात आई, जैसे मान लीजिए हमने एक सेट लिया a इज इक्वल टू a e i o u, ये क्या है आपका अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का कलेक्शन है, और ये परिमित समुच्चय भी है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 5 हैं, सीमित हैं, आप गिन सकते हैं, आप जान रहे हैं, आपको दिख रहा है। इसको लिखते कैसे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a इज इक्वल टू 5, इसको प्रदर्शित इस प्रकार करते हैं, ठीक है। एन ए, एन स्टैंड्स फॉर नंबर, ए मीन्स जिस सेट की हम बात कर रहे हैं उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, ये एलिमेंट कहीं आए जरूरी नहीं, मैंने ये नहीं कहा इन एलिमेंट को हमने गिना है, 1, 2, 3, 4, 5, कितने एलिमेंट की संख्या है इसमें, 5। ऐसे जैसे हमने लिखा था सप्ताहों के जो समुच्चय था आपका, उसमें कितने एलिमेंट थे, 7, तो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 7, तो दैट इज एन ए इज इक्वल टू, कोई निश्चित नंबर यदि आपके पास आता है तो वो फाइनाइट सेट है, और अगर यही संख्या अनंत हो जाती है, असीमित हो जाती है, असंख्य हो जाती है, तब हम इसको कौन सा सेट बोलेंगे, इनफाइनाइट सेट। इसी के आगे चौथा टाइप है आपका समान समुच्चय। नाम से ही लग रहा होगा, ऐसा समुच्चय, अगर दो समुच्चय की बात करनी पड़ेगी, समानता असमानता की यदि आप बात करते हैं तो आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आपको कंपेयर करना है, तो ऐसे ही समान समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या हो, समान हो, उसको हम कहते हैं समान समुच्चय, ठीक। जैसे हमने कहा ए इज इक्वल टू ए बी सी डी, बी इज इक्वल टू हमने कहा ए सी डी बी, ठीक, ये दोनों समुच्चय क्या है, समान है, क्योंकि ए इसके पास भी है, इसके पास भी है, बी इसके पास भी है, इसके पास भी है, सी इसके पास है, इसमें भी है, डी इसमें है, तो इसमें भी है, ठीक। ये कैसा समुच्चय है आपका, समान समुच्चय। अब आप कहेंगे कि बी पहले था, बी अंतिम में था, तो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया है कि समुच्चय में क्रम, यानी कि अवयवों के आने का, कहीं भी स्थित होने का क्रम महत्व नहीं रखता है, चाहे वो पहले आए, चाहे अंतिम में, चाहे तीसरे नंबर पे, चाहे पहले नंबर पे, इट डजंट मैटर, ठीक है। तो ये दोनों समुच्चय क्या है, समान समुच्चय। एक बात और, अवयवों की संख्या से कोई समान नहीं हो जाता, जैसे 4 अवयव इसके पास भी है, 4 अवयव इसके पास भी, तो दे आर इक्वल सेट, नहीं, ऐसा नहीं है। जो एलिमेंट्स हैं दे मस्ट बी सेम, अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग करता है तो वो दूसरा वही एलिमेंट बी में भी जरूर होना चाहिए, तब हम इसको कौन सा सेट बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। एक आपको यहाँ बोर्ड पे लिखी सवाल दिख रही होगी, इसमें लिख रहा है कि ए एक समुच्चय है, कैसे समुच्चय है, शब्द एलॉयल के अक्षरों का, यानी कि एलॉयल के हम शब्दों को लिखेंगे तो उससे जो सेट मिलेगा हमको, फिर बी कह रहा है लॉयल के अक्षरों का समुच्चय है, तो पहले हम दोनों सेट्स को तैयार कर लें, तो ए इज इक्वल टू आपके पास है इनके जो अक्षरों का समुच्चय, तो क्या है, ए है, एल है, एल को आप चाहे तो फिर से लिख सकते हैं, पर लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने बताया था आपको समुच्चय में रिपीटिशन, दोहराव कोई मायने नहीं रखता है, इसके पास कुल मिला के 4 ही एलिमेंट है, ठीक है, ये हो गया ए। सेट बी क्या कह रहा है, लॉयल में आने वाले अक्षरों का समुच्चय, तो एल ओ वाई, एल को हम फिर से नहीं लिख रहे क्योंकि एल एक बार लिखा जा चुका है, ठीक है। तो अब देखिए क्या ए और बी समान समुच्चय हैं, खुद देखिए, ए इसके पास है तो इसके पास भी है, एल इसके पास है तो इसके पास भी है, ओ यहाँ पर भी है तो यहाँ पे भी है, वाई वाई एलिमेंट्स दोनों में क्या है, सेम है, तो ये दोनों कैसे समुच्चय कहलाएंगे, समान समुच्चय, दैट इज ए इज इक्वल टू बी। सो इस प्रकार करते हैं, ए इज इक्वल टू बी, ये है आपके समान समुच्चय का एग्जाम्पल। में आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है उपसमुच्चय, सबसेट, ठीक। सबसेट नाम से लग रहा होगा, किसी का छोटा सा भाग, सबसेट, ठीक है। जैसे आपका बात करूं मैं, जैसे आपका स्कूल है, ठीक, अगर इसको हम एक सेट माने तो आप क्या क्लासेस चलती हैं, मान लीजिए 9, 10, 11, 12 क्लासेस आपके यहाँ चलती हैं, तो जो ये क्लासेस होंगे इस पूरे स्कूल के क्या होंगे, सबसेट होंगे।
जैसे हम एग्जांपल समझते हैं कि उपसमुच्चय कहते किसे हैं, जैसे हमने कहा ए इक्वल टू क्या है आपके वर्ष में आने वाले महीने के नाम। ठीक है, आप जानते हैं वर्ष में कितने महीने आते हैं, 12 महीने, जनवरी टू दिसंबर। ठीक, ऐसे हमने कहा बी इज इक्वल टू गर्मी, गर्मी के महीनों के नाम। ठीक, तो क्या देखा आपने, आप इसी में से सेट ए में से कुछ महीने निकाल लेंगे जिनमें गर्मी पड़ती है। चलिए हम अप्रैल से मान लीजिए, मानते हैं अप्रैल से सितंबर या अक्टूबर तक। तो क्या देखा आपने, ए इज इक्वल टू आपका आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, कहाँ तक आप जाएंगे पूरा दिसंबर तक। ठीक, ऐसे आपका बी इज इक्वल टू क्या आएगा, मान लीजिए हमने लिया अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक। ठीक, तो हमने क्या देखा, जो बी में आ रहे एलिमेंट वो ए में भी है, तो हम कहेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए, ये नोटेशन है सबसेट को दिखाने का। ऐसा लगता है हम ये सबसेट अगर हम कहते हैं तो वो कंटेन्ड है ए के अंदर, उस बड़े सेट के अंदर वो छोटा सेट कंटेन्ड होगा, यानी कि बी में है तो ए में तो जरूर ही होगा, यानी कि उस बड़े सेट से अगर कुछ एलिमेंट्स को निकाल कर हम कोई सेट बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है, उस बड़े सेट का उपसमुच्चय, सबसेट। जैसे एक एग्जांपल से हम और समझते हैं, ए इज इक्वल टू आपके पास मान लीजिए है ए बी सी डी एंड सो ऑन, कहाँ तक, जेड तक। ये अंग्रेजी के अल्फाबेट्स हैं, आप जान ही रहे हैं ए टू जेड। हमने कहा बी इज इक्वल टू एक सेट है क्या इंग्लिश के वॉवल्स, दैट इज ए आई ओ यू। ठीक, तो आप देख रहे होंगे कि कहीं और से नहीं आया है, इसी में से कुछ एलिमेंट्स को हमने लिया है जो कि क्या है उसके वॉवल्स हैं। तो क्या देखा आपने, एक नया सेट तैयार हो गया बी, तो हम इसी को बोलेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए, दिस इज द सिंबल, ये सिंबल है सबसेट का, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इसे कुछ इस प्रकार लगता है कि बी इज कंटेन्ड इन ए, बी ए के अंदर है, जैसी बात है यदि वो छोटे सेट में है तो बड़े सेट में तो जरूरी होगा। जैसे मैंने अभी एग्जांपल से आपको बताया, आपका स्कूल बड़ा सेट है, आप छोटे छोटे सबसेट्स हैं, नाइन्थ क्लास एक सबसेट है बड़े स्कूल का, इलेवेंथ भी एक सबसेट है, टेंथ भी, ट्वेल्थ भी एक सबसेट है। ठीक है, आप पूरे स्कूल के अंदर कंटेन्ड है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक, तो ये हो गया आपका नोटेशन कि दिखाते किस प्रकार है सबसेट को। आपके टेंथ में चैप्टर था वास्तविक संख्याएं, ठीक, रियल नंबर्स, उसको हम आर से दिखाते थे, उसके कई सारे सबसेट्स हैं। जैसे हमने कहा आर यानी कि रियल नंबर, ठीक, ये सबसे बड़ा सेट है। इसके अगर हम सबसेट्स की बात करें तो सबसे पहले आपको मिलेगा एन, एन क्या है आपका नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन इसको आप लिखते हैं वन टू थ्री एंड सो ऑन, लेकिन समाप्त नहीं होता, अनंत है ये आपका क्या है, एन इज अ, एन इज अ सबसेट ऑफ रियल नंबर आर। ठीक, क्योंकि आप देखा मैंने ये कहाँ से निकालना, हमने रियल नंबर से तो कुछ एलिमेंट लिए और हमने बना दिया, तो ये क्या बन गया आपका नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं का सेट, लेकिन ये सबसेट है किसका, आर का। ठीक, जैसे आपने इंटीजर्स तैयार किए थे जेड, जेड इक्वल टू क्या होता है आपका, जैसे ऐसे लिखते हैं माइनस नंबर आते हैं माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन, तो ये सब क्या है आपके इंटीजर्स हैं, तो ये जेड भी क्या है आपका सबसेट है किसका, रियल नंबर्स का। ठीक है, ऐसे क्या पढ़ते हैं आप परिमेय संख्याएं, रैशनल नंबर्स, q इज इक्वल टू आप जानते हैं p by q, such that p and q are integers and q is not equal to zero, आप कंडीशन लगाते हैं उस पे, तो ये q भी क्या है आपका सबसेट है किसका, रियल नंबर्स का। ठीक है, ऐसे ही अपरिमेय संख्याएं भी सबसेट है किसका, रियल नंबर्स का। तो ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण सेट है आपका एक तरह से रियल नंबर, जिसके सबसेट आपको वेल नोन है, आप अच्छे से जानते हैं। आइए अब देखते हैं कि उपसमुच्चय को लिखते किस तरह से। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए इज इक्वल टू वन टू थ्री, मान लीजिए तीन एलिमेंट्स हैं इसके पास वन टू थ्री। अब इसके हम सबसेट्स को लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो उसमें दो सबसेट्स कॉमन होते हैं, याद रखिएगा, पहला तो एक रिक्त समुच्चय दैट इज फाइव, मैंने बताया था इसको ऐसे ही लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं लिखेंगे, गलती नहीं करेंगे।
फिर ये सेट स्वयं क्या 1 2 3, ये दो सबसेट्स हो गए इसके जो कि कॉमन है, ठीक होने हैं, तय हैं। अब हम आगे लिखेंगे, पहला सबसेट बनेगा, एक एलिमेंट 1 लिया हमने, फिर 2 को लिया, ये दूसरा सबसेट हुआ, फिर तीसरा सबसेट हुआ, फिर दो एलिमेंट्स को 1 2, फिर 2 3, फिर 3, 1। अब हम काउंटिंग करते हैं कितने सबसेट्स बने इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट बने, ठीक है, 3 एलिमेंट्स थे, 8 सबसेट इसके तैयार हुए। अब आप सोचिए जरा, इसके एलिमेंट्स अगर बढ़ जाएं, 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, 6 हो जाएं, 4 या 5 तक तो आप निकालने का प्रयास करेंगे, आप लिख भी लेंगे, लेकिन कभी सोचिए नंबर बहुत ज्यादा हो जाए तो सबसेट्स लिखना इतना आसान नहीं हो पाता है। इसलिए हम सबसेट्स तो नहीं पूछते, लिखिए आप कितने होंगे, लेकिन उनकी संख्याएं जरूर होती है कि अगर सेट्स के पास इतने एलिमेंट हैं 3 4 6 8, तो उनके सबसेट्स कितने बन पाएंगे, उनकी हम संख्या पूछते हैं, उनको लिखने को नहीं देंगे मान लीजिए आपको, लेकिन उनके सबसेट्स की हम संख्या आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है फॉर्मूले की, यदि आपको सबसेट्स की संख्या निकालनी है तो उप समुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। अब बात आती है व्हाट इज n, n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। जिस सेट के हम उप समुच्चय निकालने की आपसे बात कर रहे हैं उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, यहाँ पे अगर देखिए कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ये मैं 3 ये नहीं गिन रही हूँ, एलिमेंट्स गिन रही हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपका सेट है a इज इक्वल टू मान लीजिए a b c, अब कितने एलिमेंट है इसके पास, 3 एलिमेंट्स है, तो उप समुच्चयों की संख्या आएगी 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 3, आप जानते ही हैं कितना आएगा 8, और आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कितने उप समुच्चय बने हैं इसके, 8 उप समुच्चय बने हैं। मान लीजिए इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाते, 4 हो जाते, ए बी सी डी दैट इज 4 एलिमेंट्स, तो आपका आंसर आता 2 to the power 4, और 2 की पावर 4 को आप 4 टाइम्स इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 16, तो कितने आपके सबसेट बनेंगे 16। तो आप सोच सकते हैं 16 सबसेट्स को लिखना कितना कठिन हो जाएगा आपके लिए, मान लीजिए 16 आपने लिख भी लिए, एक एलिमेंट और बढ़ गया तो कितने हो जाएंगे आपके पास 2 to the power 5 = 32 लिखना भी कठिन ही है, ठीक है। तो यानी कि हम कितना पूछेंगे उप समुच्चयों की संख्या, ये 2 to the power n बता रहा है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट, एक सबसेट के कितने सबसेट्स बनेंगे वो किस फॉर्मूले से मिलेगा आपको, 2 की पावर n से, ठीक। अगला टॉपिक है आपका घात समुच्चय दैट इज पावर सेट, नाम से ही लग रहा है पावर सेट, ठीक। अब इसमें क्या बात होती है, ये मैंने हटाया नहीं, इसी का कुछ यूज है आपके पावर सेट में, जैसे a इज इक्वल टू एक सेट था, आपने उसके सबसेट्स लिख लिए, अब हम क्या करें, हम इन सबसेट्स का भी एक सेट बना दें, नाम से पावर सेट यूं ही नहीं लग रहा है, बहुत पावरफुल चीज है, हमने इसके सबसेट बनाए, हमने एक नया सेट बनाया, एक नया सेट बनाया, मान लीजिए उसका नाम हमने कहा b, ठीक है। अब b के अंदर एलिमेंट पता है क्या होंगे, इसी के सबसेट्स को यदि हम लिख दें, इसी के सबसेट्स को हम लिख देते हैं, अब हम एक सेट तैयार कर रहे हैं जिसमें इसके सबसेट्स एज अ एलिमेंट रहेंगे, पहला क्या था 5 1 2 3 1 2 1 3 3 1 और 1 2 3, ठीक है। अब क्या दिख रहा है आपको, ये एक सेट ही दिख रहा होगा, कर्ली ब्रैकेट्स लगे हैं, अंदर कुछ एलिमेंट्स रखे हैं, वो एलिमेंट्स नॉर्मल एलिमेंट्स नहीं है, इस सेट के क्या है सबसेट से रखे हैं हमने, तो ये जो बना ना, ये नया सेट बना, दैट इज द पावर सेट ऑफ ए, तो इसको हम बी से नहीं दिखाएंगे बल्कि हम दिखाएंगे पावर सेट ऑफ सेट ए, सेट ए क्या बन गया, ये पावर सेट, यानी कि ऐसा सेट जिसमें उस समुच्चय के उप समुच्चय एलिमेंट के तौर पे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, उस सेट का पावर सेट कहते हैं, ठीक। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, मान लीजिए आपके पास बी एक सेट है, ठीक है, a, b, ठीक, हमने कहा पावर सेट ऑफ बी तैयार करिए, क्या आएगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसके सबसेट्स लिखेंगे, सबसेट लिखना शुरू करें हम 5 a b और a, b, कितने सबसेट बनेंगे इसके, 4 2 to the power 2 ही जाएगा, 4 आंसर आ रहा है, तो 4 सबसेट 1 2 3 4 है,
हमने कहा पी बी क्या करिए पावर सेट ऑफ बी, तो यही आपका पावर सेट ऑफ बी बनेगा। आप क्या करेंगे, इस सारे सबसेट्स को किसके अंदर रख देंगे, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख देंगे, एक सेट तैयार कर देंगे इन सबसेट्स का, तो दिस इज द पावर सेट ऑफ सेट बी। ठीक, तो ये आपका जो है आर्टिकल हुआ घात समुच्चय। ठीक, तो आज का लेक्चर हम यहीं पर रोकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ जो भी मैंने चीजें पढ़ाई आपको समझ में आई होंगी। फिर से कहूंगी एक बार, यदि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मेरी और भी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो अगले वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए थैंक यू।